पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विधानसभा भवन में मीडिया से मुखातिब हुए। उन्होंने मीडिया से चर्चा में कहा कि इस बार विधानसभा में नए और पुराने अनुभवी विधायक चुनकर आए हैं, नई पीढ़ी का समावेश है, पीढ़ी परिवर्तन हुआ है। डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री हैं तो नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार है। पीढ़ी परिवर्तन स्वाभाविक प्रक्रिया है, इसे सकारात्मक रूप से लेना चाहिए। उन्होंने भरोसा जताया कि मोहन यादव की अगुवाई में प्रदेश विकास की ऊंचाइयां छुएगा। मैंने लगभग 17 साल मुख्यमंत्री के रूप में प्रदेश की जनता की सेवा की है और विकास से या जन कल्याण मुझे आत्मसंतोष भी और गर्व भी है कि अपनी जनता के लिए और प्रदेश के विकास के लिए मैं बहुत काम कर पाया। लेकिन स्वाभाविक रूप से एक राज्य के नागरिक के नाते मेरी यही इच्छा है कि श्री मोहन यादव जी के नेतृत्व में मुझसे बेहतर काम हो। सोचने के दो दृष्टिकोण हो सकते हैं। एक हो सकता है कि मैंने बहुत अच्छा किया, लेकिन नागरिक और अच्छे व्यक्ति के नाते अगर हम सोचे कि मैंने अच्छा किया लेकिन मुझसे अच्छा मेरे बाद आने वाला मुख्यमंत्री करे, और मैं श्री मोहन यादव जी को, राजेंद्र शुक्ला जी को, जगदीश देवड़ा जी को और आने वाले मंत्रिमंडल को न केवल शुभकामनाएं देता हूं बल्कि सकारात्मक और सक्रिय सहयोग करूंगा। विधायक दल के नेता के नाते वो हमारे भी नेता है, और दूसरे विधायक के नाते भी मैं विधानसभा को ईंटगारों का भवन नहीं मानता, पवित्र मंदिर मानता हूं। तो मुझे ये भाव भी नहीं है कि नहीं मैं तो बड़ा हूं, मैं विधायक हूं तो विधानसभा मेरा मंदिर है, और एक विधायक के नाते पूरी सक्रियता के साथ मैं विधानसभा में भी काम करूंगा। मेरी बुधनी क्षेत्र की जनता जिसने बिना जाए मुझे सदैव भारी बहुमत से जिताया, इस बार भी 1,05,000 वोटों से जीता हूं, तो वहां का विकास मेरी स्वाभाविक ड्यूटी है, कर्तव्य है। लेकिन प्रदेश की जनता की भी भावनाओं का प्रतिनिधित्व विधानसभा में होता है, वो भी मैं करता रहूंगा। अपनी भूमिका को लेकर शिवराज ने स्पष्ट किया कि भारतीय जनता पार्टी एक मिशन है, मुझे जिस मिशन की जिम्मेदारी दी जाएगी उसे पूर्ण करूंगा। वहीं पर्यावरण, महिला सशक्तिकरण और बाल कल्याण, यह मेरे विषय हैं और मेरी अंतरात्मा में निहित है, इनके लिए मैं काम करता रहूंगा। मैंने हमेशा कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक मिशन है, और जब एक मिशन में आप काम करते तो आप तय नहीं करते कि आप क्या करोगे, मिशन तय करता है कि आप कहां काम करोगे। जहां पार्टी तय करेगी वो काम मैं करूंगा। कुछ विषय ऐसे है जैसे पर्यावरण, अब पर्यावरण मेरा प्रिय मुद्दा है, महिला सशक्तिकरण मेरा प्रिय विषय है, वो अंतरात्मा से निकला हुआ विषय है, और बच्चों से जो मेरी आत्मीयता और लगाव है, तो बाल कल्याण, ये विषय ऐसे हैं कि जो अंतरात्मा से मैं करता रहूंगा। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि भाई का रिश्ता विश्वास का होता है और मामा का रिश्ता प्रेम का, यह रिश्ता कायम रहेगा। रहा सवाल मुझे दिल्ली बुलाया क्या है, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का आदेश तो उनसे मिलने दिल्ली जाऊंगा। देखिए, भाई और बहन के रिश्ते हों या मामा और भांजे के रिश्ते हों, मैंने पहले भी शायद कहा है कि भाई का रिश्ता विश्वास का है और मामा का है प्रेम का, तो ये जो संबंध है वो स्वाभाविक है। प्रारंभ में थोड़ा बहुत लगता है, लेकिन मुझे लगता है कि ये फेज होता है, धीरे धीरे लोग इसको भूल जाते हैं। संबंध रहेंगे
लेकिन काम करना है, सरकार सफल हो, जनता की भावनाओं का आदर करते हुए जनता के कल्याण में, और लक्ष्य अभी है तात्कालिक लोकसभा में हम सभी 29 सीटें कैसे जीते हैं। मोदी जी हमारे नेता हैं और उनके नेतृत्व में 29 की 29 लोकसभा की सीटें जीते हैं। इसके लिए हम जी जान से सब मिलकर काम करेंगे। मैं भी फाइनल हो जाएगा, आप दिल्ली जा रहे हैं, क्या चर्चा होगी इसको लेकर? अब चर्चा होगी यहाँ थोड़ी मुझे पता है, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ।